दुर्ग निगम क्षेत्र में निगम द्वारा आवारा पशुओं की धरपकड़ का अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में रविवार को दर्जन भर आवारा पशुओं को सड़क से पकड़कर पहुंचाया गया पुलगांव बठान। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की धरपकड़ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सड़क पर घूमने वाले दर्जन भर आवारा पशुओं को पकड़कर पुलगांव स्थित बने गौठान पर पहुंचाया गया। साथ ही निगम अधिकारी द्वारा पशु मालिकों को समझाइश दी गई कि वे अपने मवेशी के चारा पानी सहित समुचित व्यवस्था स्वयं करें, उन्हें सड़क पर खुला न छोड़े। वही निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने गोधन को संरक्षित करने रोका छेका संकल्प अभियान के तहत पशु मालिकों को अपने मवेशी की सुरक्षा स्वयं करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमते पाए जाने पर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पकड़े हुए मवेशियों को पुलगांव स्थित गोकुल नगर गौठान में रखा जा रहा है और पशु मालिकों से अर्थदंड लेकर लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी दोबारा पशुपालक के पशु सड़कों पर घूमते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।